बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया आज के न्यूज़पेपर में, मशरूम्स के ऊपर है। मशरूम्स आप तो जानते हैं कि एक फंगस है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये इनका जो डीएनए है इट्स मोर लाइक ह्यूमंस दैन प्लांट्स, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। और इनका खुद का इम्यून सिस्टम भी होता है, और दुनिया में इतनी सारी मशरूम्स उगती हैं कि शायद उन सबका हिसाब लगाना या उनकी वेराइटीज़ को जाँच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन सबसे पॉपुलर जो वैरायटी है वो है बटन मशरूम्स, जो कॉमनली हमें मिलते हैं, और आज उन्हीं के साथ मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट स्टार्टर बनाऊंगा। साथ ही साथ ये थोड़ा हेल्दी भी होगा क्योंकि इसके अंदर मैं डालूंगा सफोला मसाला ओट्स। सबसे पहले हम इन मशरूम्स के जो स्टेम है उन्हें अलग कर लेंगे, यूं जस्ट पुश देम, मूव देम। आज जो हम डिश बनाने वाले हैं वो है स्टफ्ड मशरूम कैप्स। जो मशरूम का हेड होता है उसे मशरूम कैप बोलते हैं, और उसकी जो कैविटी है उसके अंदर हम भरेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी फिलिंग। ये जो कैप्स हैं इसको फिलहाल हम अलग रखेंगे, और जो इसकी स्टेम्स हैं इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। मशरूम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग से फंगस होती हैं, बहुत ही अच्छा अर्दी टेस्ट होता है इसके अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफोला ऑयल, फाइनली चॉप सेलरी। ये बहुत ही सिंपल फिलिंग है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। सेलरी के साथ हम डालेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई गाजर। याद रहे इस स्टफिंग के अंदर जो भी आप डालें बहुत बारीक कटा हो, वो इसलिए क्योंकि उसने इस कैप में जाना है और इसके अंदर जगह काफी कम है, और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा ये डाइस किया हुआ या फाइनली चॉप्ड मशरूम की स्टेम्स। ब्यूटीफुल। और जब भी मशरूम डालते हैं आंच थोड़ी तेज करके पकाइए, क्योंकि मशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये अपना वाटर अब छोड़ेंगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वाटर पूरा सूख जाए ताकि स्टफिंग ज़्यादा गीली ना हो। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा पेपर, और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर अब मैं डाल रहा हूँ ग्रेटेड पनीर, और इसे हम एक क्विक स्टर देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे सफोला मसाला ओट्स का वेजी ट्विस्ट, इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, ज्यादा नहीं। ये स्टफिंग तैयार। स्टफिंग को हम बाहर निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। अवन को हम गर्म कर लेंगे करीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम इन मशरूम कैप्स को स्टफ करेंगे हमारी इस स्टफिंग के साथ। स्टफिंग को लेंगे और इस कैप के अंदर अच्छे से भर देंगे। और इस तरीके से हम सारे मशरूम्स को स्टफ करके इस बेकिंग ट्रे पर रख देंगे। हमारे पास है ये फाइनली ग्रेटेड चेडर चीज। जो चेडर है वो मशरूम्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से जाता है। इनफैक्ट कोई भी चीज, शार्प चीज, मशरूम के साथ बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। अब ये ट्रे जाएगी अवन में 180 to 200 के बीच में आप रख सकते हैं, और तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरा का पूरा चीज मेल्ट नहीं हो जाता एंड इट स्टार्ट्स बबलिंग। परफेक्ट। जब तक हमारा मशरूम अंदर बेक हो रहा है तब तक जान लेते हैं कि सफोला फिट फूडी मीटर ने इस डिश की रेगुलर रेसिपी को कितना स्कोर दिया है। सफोला फिट फूडी मीटर इज डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद द इंडियन डाइटिक एसोसिएशन टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड एंड हेल्दी फूड चॉइसेस। ये मीटर डिश की न्यूट्रिशन और हेल्थ फैक्टर को सिंप्लीफाई करता है। डिश के टोटल हेल्थ स्कोर के साथ साथ हमें बताता है कि हमारी डिश आमतौर पर बनने वाली डिश से कितनी ज्यादा हेल्दी है। सफोला फिट फूडी मीटर ने इस डिश की रेगुलर रेसिपी को दिए हैं पूरे 29 पॉइंट्स।
और ये गर्मा गर्म मशरूम के स्टार्टर्स तैयार हैं। बेहद सिंपल, बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही कन्वीनियंट। इसे अब हम इस प्लेट पर रख देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। दे लुक ब्यूटीफुल। हमारे पास थोड़े एडिबल फ्लावर्स हैं जो हम इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। It's time to have a look at a quick recap for this recipe. स्टफ्ड मशरूम कैप्स बनाने के लिए बटन मशरूम्स के स्टेम्स को अलग करके उन्हें फाइनली चॉप कर लीजिए। एक पैन में सफोला ऑयल गरम करें, उसमें सेलरी, गाजर, चॉप्ड मशरूम स्टेम्स, नमक, पेपर, ग्रेटेड पनीर, सफोला मसाला, ओट्स वेजी ट्विस्ट और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके अच्छे से पका लीजिए। मिक्सचर को पैन से निकालकर ठंडा कर लीजिए। फिल द मशरूम कैप्स विद द मिक्सचर। Top it up with some cheddar cheese and bake it in the oven at 180 degrees till the cheese melts. Serve the mushroom caps and garnish with some edible flowers. Safola Fit Foodie Meter पर इस डिश की रेगुलर रेसिपी का स्कोर है 29 और मेरी बनाई हुई इस डिश को मिले हैं पूरे 41. For more such interesting and healthy recipes using Safola Oats, log on to our website fitfoodie.in. अगर आप अपने मोबाइल या टैबलेट पर हमारी बनी हुई रेसिपीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। अपने मोबाइल या टैबलेट पर डाउनलोड कीजिए सफोला फिट फूडी मोबाइल ऐप।